दोस्तों आज हमारा क्वेश्चन है फाइंड द पैटर्न इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। हमें नंबर का पैटर्न देखना। जैसे हमारा पैटर्न क्या है, हमने देखा वन एंड वन का इंटू करेंगे तो वन, हम इंटू देखेंगे तो यहाँ टू वन है, यहाँ पे टू वन है, कितने वन वन इंटू वन वन है। तो यहाँ क्या है, एक वन बाहर आ रहा है, बीच में टू आ रहा है, क्योंकि यहाँ टू है। वन 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 तो है लेकिन कितनी बार वन है, टू बार है, तो हमने वन टू वन किया। अब यहाँ तो कितनी बार थ्री है, वन कितनी बार है, थ्री बार है, तो हमने क्या किया वन टू थ्री और टू फिर वन, फिर घटता जा रहा है। देखो अब यही हमें यहाँ करना, कितनी बार वन टू थ्री फोर, तो पहले हमें वन टू थ्री फोर करना है। क्या करना, क्योंकि वन टू थ्री कितनी बार फोर है, अब घटना थ्री टू वन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो वन टू थ्री फोर फाइव, तो हमें फाइव तक लिखना, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर अब माइनस करना शुरू करो, फोर थ्री टू वन, ये इसके स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ करेंगे, जैसे इनका स्क्वायर करेंगे कितना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो कितने तक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अब घटना शुरू, फाइव फोर थ्री टू वन, इन दोनों का अब इंटू करेंगे तो यही आएगा। ऐसे यहाँ कितना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कितना है, सेवन है, तो क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तक इंक्रीज जाएंगे। अब डिक्रीज करना शुरू कर दो, सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, इन दोनों का अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ओके, ऐसे यहाँ गिनो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है, तो कितने तक लिखना हमने पहले, एट तक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, अब घटना शुरू करो, सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। अगर मैं इनका इंटू करूं तो आपका यही आंसर आएगा। ये एक ट्रिक है जिसे हम इजली कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।